इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटे हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मेंबर की इतना रेट लगेगा। शेख रशीद का काफ लीग पर अदम एतमाद, ब्लैकमेलर कह दिया, जलती पर तेल का काम कर दिया। वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा 5 सीटों वाली जमात वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है, वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उन लोगों की तरह नहीं जिनके पास 5-5 वोट हैं, सूबे की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। विफाकी वजीर मौलवी सलाही का भी पलटकर जवाब, कहा शेख रशीद भूल रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे, शेख रशीद की इज्जत करते हैं मगर वो भूल गए इसी जमात के लीडरों के बुजुर्गों से वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लेते थे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जान कमाल का भी रद्दअमल, कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपने फैसले खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। कप्तान का पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ चारा जोई का ऐलान, आदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान तैयार, इस्लामाबाद में भरपूर पावर शो का फैसला, खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में बड़े जलसे का टास्क दे दिया, मुख्तलिफ शहरों के अरकान असम्बली से मुलाकातों में हतमी प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन मुआशी तरक्की रोकना चाहती है, आदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी, PTI हालिया सूरत हाल से मजीद मजबूत होकर उभरेगी, मुल्क की ज्यादा दिलजमी के साथ खिदमत करेगी, हुकूमत आवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, मौशी पॉलिसियों के बायस मईशत को इस्तेहकाम मिला, आवाम दोस्त इकदाम किए, IT सेक्टर और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए टैक्स छूट दी। हुकूमती गाड़ी या अदम एतमाद की सवारी, हुकूमत मुस्लिम लीग काफ को मुतमईन करने में नाकाम, इत्तेहादी की जानिब से इत्तेहाद छोड़ने का कभी इम्कान, मुस्लिम लीग काफ की एक और अहम बैठक, चौधरी शुजात ने कहा पार्टी किसी कश्मकश का शिकार नहीं, कल होने वाले इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। जराए के मुताबिक हुकूमत मुस्लिम लीग काफ को मुतमईन करने में नाकाम हो गई, MQM पाकिस्तान भी ताहाल कोई फैसला ना कर सकी, मुतहदा की मेल मुलाकातें जारी, मुतहदा के कुछ अराकीन हुकूमत और कुछ अपोजिशन का साथ देने के हामी। मरियम नवाज के तंजिया वार, कहा ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रखने की कोशिशें की जाए, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हैं, ये हुकूमत नहीं जिल्लत और शर्मिंदगी है। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए, इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन सिलेक्शन की बात करो। मेरा ख्याल है हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हारना है, हारने के बाद फिर भी हमें ये तंग करेंगे, बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाएं। पहले लड़ाई और अब सुलह सफाई, गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने की कोशिशें, वजीर दाखला शेख रशीद और वजीर इत्तला फवाद चौधरी का अंदाज बदल गया, सबको तहम्मुल का मशवरा दे दिया। शेख रशीद ने कहा हमें सुलह सफाई और ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन में 1 साल रह गया है, बेहतर है इमरान खान के साथ इंतजार करें, ऐसा ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहे और सिलेक्शन सिलेक्शन की बातें करते रहे, तहरीके अदम एतमाद में इन्हें हारना ही है। फवाद चौधरी बोले इतनी तकसीम ना हो कि गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए, लड़ना मुश्किल नहीं बाद में सुलह मुश्किल होती है, जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निजाम नहीं है, ऑपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी। वुजरा की पेशकश मुस्लिम लीग नून ने ठुकरा दी, मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया
बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों, गुंडों और बदमाशों से नहीं। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदला, मुआशरे में तकसीम, इंतशार और फसाद पैदा किया। सियासत में गंद इमरान साहब ने डाला हुआ है। आदम एतमाद के जरिए इस गंदगी को साफ करेंगे। सियासी मुखालफीन को गालियां और धमकियां दी गईं, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, बहनों और बेटियों को जेलों में डाला गया। बातचीत के लेक्चर देने वाले फवाद चौधरी ने क्या आवाम को पागल समझ रखा है? तरीन और अलीम खान में दूरियां ना मिट सकी, दोनों ग्रुपों के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अलीम ग्रुप ने अपनी सियासी हिकमत अमली और सरगर्मियों को अलहदा कर लिया। ओन चौधरी और अलीम खान में मुलाकात नाकाम रही। तरीन ग्रुप के रवैये पर अलीम खान को शदीद तहफ्फुज़ात। ओन चौधरी अपने ग्रुप के सख्त गिर अराकीन के रवैये पर वजाहतें और माजरत करते रहे। अलीम खान लंदन से वापसी के बाद मुतहर्रिक इस्लामाबाद चले गए, मुलाकातों में अहम सियासी फैसले करेंगे। गवर्नर सिंध को अलीम और तरीन के पीटीआई से अलग ना होने का यकीन। इमरान इस्माइल कहते हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन नाराज जरूर हैं, मगर वो पार्टी से अलग नहीं हो सकते। अलीम खान से तीन मुलाकातें हो चुकी हैं, फिर मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अपोजिशन के जाल में दाखिल नहीं होगा, उनको हल्के के लोग घरों में नहीं रहने देंगे। चौधरी बरादरान भी हमारे साथ है, अलहदा होना इतना आसान नहीं। वजीर आजम का एमकेएम के दफ्तर का दौरा पहले से तयशुदा था, अदम एतमाद से मुतालिक वहाँ कोई बात नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का अजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का उसूली फैसला। हुक्मरान जमात ने तमाम अराकीन को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। स्पीकर से अराकीन की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बल्ले के निशान पर जीत कर आने वाले पार्टी फैसले और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन को 172 अराकीन की हिमायत दरकार है। अदम एतमाद पर ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर को बुला लिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। आसिफ जरदारी को भी शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को भी कल इशाइये पर मदऊ कर लिया। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। उज़्मा बुखारी कहती हैं हमारे नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं, इमरान खान के अपने अरकान उनका साथ देने को तैयार नहीं। बेरोजगार हैं, इन्होंने एक तमाशा लगा रखा है। ये वो माफिया है जिसने पाकिस्तान के हर इदारे को इन्होंने खोखला किया। ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी अदम एतमाद नाकाम होनी है क्योंकि इनसे 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे। ये मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अवाम में कल हाफिज़ाबाद में पावर शो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है अपोजिशन मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाना चाहती है, तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। सियासी बेरोजगारों ने तमाशा लगा रखा है, इनके लिए हथकड़ियाँ और जेलें तैयार कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी कमर कसती अराकीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी। उस्मान बुज़दार ने कहा वज़ीर आज़म अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे, हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अफरा तफरी की सियासत कौमी मफाद में नहीं। तहरीक इंसाफ मुतहद और पहले से मजबूत जमात है, मुल्क में अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा रेसिंग का आखिरी राउंड शुरू हो चुका, वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को पिछाड़ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में झटका, चार अराकीन सूबाई असम्बली के बाद रशीद गोटेल ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए कुछ नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ सिंध में तीन ग्रुप्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कारकुनों को नुकसान पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ छोड़कर वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अदम एतमाद से मुतालिक फैसला असेंबली इजलास तक मौखर कर दिया। मजीद मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातों से राबते। BAP की सीनियर क्यादत और अरकान असेंबली कोई भी फैसला मिलकर करेंगे। और इमरान खान का काम है और किसी का काम नहीं। चौधरी तनवीर को गिरफ्तारी के बाद कहां रखा गया, कोई बताने को तैयार नहीं। FIR कटवाएंगे हम कानूनी काम करेंगे कि इनको अगवा किया है। जो भी यहां पे जिम्मेदार था एयरपोर्ट पे वफाकी हुकूमत का, उसने अगवा किया है, उसके खिलाफ हम FIR कटवाएंगे। एंटी करप्शन की टीम लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर को पहले कराची से लाहौर लाई, फिर पिंडी ले गई। चौधरी तनवीर पर मुबैना तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं। एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी तनवीर को गुज़श्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर कहते हैं मालूम नहीं किस केस में गिरफ्तारी डाली गई, इन्हें इस FIR का इल्म भी नहीं था। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। मरियम औरंगजेब की भी गिरफ्तारी की मसम्मत, कहा गिरफ्तारी इमरान खान की शिकस्त का एक और सबूत है। फस्तायत के 10 दिन बाकी रह चुके हैं। चौधरी तनवीर को कराची से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। मरियम नवाज कहती हैं उनको बगैर राहदारी जमानत लाहौर लाया गया। वो दिल के मरीज हैं और अद्वियात पर हैं। उनका खानदान उन्हें अद्वियात पर अहम करने की कोशिश कर रहा है मगर चौधरी तनवीर तक रसाई नहीं दी जा रही। ये रवैया शर्मनाक है। आइन कानून साजों को रियासती इदारों पर लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात नहीं देता। आइन पाकिस्तान तमाम कवानीन से बालातर, इसके मुतसादिम हर कानून गैर आइनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा आइन में दिए गए हुकूक को किसी कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर मबनी तमाम इकदाम गैर कानूनी तस्वुर होंगे। आइन के आर्टिकल 140A पर अमल दरामद में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन को आर्टिकल 140A के मुताबिक तब्दील करे। सिंध बल्दियाती कानून की शिक 74 और 75 आइन से मुतसादिम करार। 58 सफात पर मुश्तमिल फैसला साबिक चीफ जस्टिस निजार अहमद ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को खिलाफ कानून करार दे दिया। कहा सेक्शन 181A इलेक्शन एक्ट की शिक 233 से बराह रास्त मुतसादिम है। तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को बालाए ताक रखते हुए जारी किया गया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक बनाना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ये सेक्शन शफाफियत और तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देने के बरखिलाफ है। सिंध हुकूमत के भी वज़ीर आज़म पर वार। सईद गनी कहते हैं इमरान खान पर इस वक्त रहम खाया जाना चाहिए। शेख रशीद और फवाद चौधरी को यकीन हो गया है कि इमरान खान जाने वाले हैं। इमरान खान की जहनी कैफियत खराब है जो अभी और बुरी होगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा अदम एतमाद पर ये घबरा गए हैं, PTI के दिन गिने जा चुके। कराची से पंजाब जाने वाली मारबलदार ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हैदराबाद के करीब हादसा पेश आया, 6 लोगों की आमदोरफ्त मौतल। पाकिस्तान रेलवे माली मुश्किलात का शिकार। 1,05,000 पेंशनर्स को मार्च की पेंशन ना मिल सकी। बेवाएं और दीगर पेंशनर्स रोजाना दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। रेलवे इंतजामिया पेंशनर्स को तिफल तसल्लियों से टरखाने लगी। मुतादित मुलाजमीन को GP फंड्स की रकम भी ना मिल सकी। रेलवे इंतजामिया का कहना है अगले हफ्ते पेंशनर्स को अदायगियां कर दी जाएंगी। कोरोना से अमवात की तादाद असल में बहुत ज्यादा है, अमरीकी जरीदे का दावा। कहा वबा ने असल में 1,20,00,000 जाने ली। आलमी इदारा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से 60,00,000 अफराद लुक्मा अजल बने। पैसा हो तो क्या मुमकिन नहीं। अमरीकी शहरी ने नया मुल्क बनाने के लिए जजीरा ही खरीद लिया। शेयर्स $3,200 में फरोख्त के लिए पेश। 300 अफराद की शहरियत और सैकड़ों की सरमायाकारी भी हो चुकी।
पाकिस्तान फुटबॉल पर छाए बादल छट गए। फीफा की नामजद नॉर्मलाइजेशन कमेटी और हुकूमत में मुजाकरात कामयाब। फुटबॉल हेडक्वार्टर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल पर फीफा की जानिब से आयद पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी।